तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नायरा के बारे में ऐसा बोलने की? मैडम लगता है कोई एक्सीडेंट हो गया है। गाड़ी रोकिए भैया। प्लीज प्लीज कोई एम्बुलेंस बुला दीजिए। प्लीज उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मैंने बोला था पापा को पार्टी माँ के बिना। माँ बेहोश हो गई। डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर मैडम तुम्हें पता है माँ का एक्सीडेंट कैसे हुआ? पता ही नहीं। हम कॉलेज से गाड़ी लेकर अकेले ही निकल गए। वैसे कभी निकलती नहीं। तो माँ गाड़ी चलाती तो है नहीं। गाड़ी क्यों चला रही? पक्का पक्का गाड़ी खराब हो गई होगी या ब्रेक फेल हो गया होगा गाड़ी का। हाँ ब्रेक फेल हो गया होगा। माँ मुंबई आ गई। किसी को कुछ बताया ही नहीं। उदयपुर से निकली तभी भी कुछ नहीं बताया। आ गई हो और ये सब हो गया। कुछ समझ भी नहीं आ रही। माँ को कुछ नहीं होगा ना? तुम बोला ना डॉक्टर को मेरी माँ को ठीक कर दे। वो सालों बाद मुझे मेरी माँ मिली है। वो ठीक कर देंगे ना मेरी माँ को। वो डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे पर इंजेक्शन तो मंगवाया नहीं उन्होंने। अरे बोलो प्रिस्क्रिप्शन दे दे मैं लेकर आ जाऊंगा इंजेक्शन। बहुत दुखेगा ना उन्हें। कोई बात नहीं मैं हाथ पकड़ लूंगा। फिर नहीं होगा। फिर नहीं दुखेगा उनको। कार्तिक कुछ नहीं होना चाहिए मेरी माँ को। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा कार्तिक। रिलैक्स। कुछ नहीं होगा। समझती है माँ को खोने का दुख।
जब माँ चली जाती है तो कैसा लगता है तुम्हें पता है ना? बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे। कुछ नहीं होना चाहिए मेरी माँ। कुछ नहीं होगा, दूसरी बार ये दुख नहीं झेल सकता। आप में से किसी को मेरे साथ चलना होगा, पेशेंट के कुछ टेस्ट करने हैं, हमें आपके सिग्नेचर लगेंगे और कुछ फॉर्मेलिटीज भी करनी है। आइए। आपकी मदर मिली ना आपको? वो ऑलमोस्ट एक घंटे से यही थी। कॉलेज आई थी तो मिली क्यों नहीं मुझसे? कहीं मुझे और नायरा को साथ? पक्का यही हुआ होगा। पर ये एक्सीडेंट, ये भी तो हो सकता है कि सिर्फ एक्सीडेंट हुआ और मैं पता नहीं देखा नहीं होता तो ऐसे गुस्से में क्यों निकली होती कॉलेज से? मेरा नाम लिया उन्होंने। नर्स, नर्स, माने आप लोग पीछे हटिए। अभी आप लोग में से कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। पेशेंट को होश आ गया है, पर पहले डॉक्टर चेक करेंगे, उसके बाद आप लोग उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, इन्हें फिर से पैनिक अटैक आया है। काम डाउन मिसेस गोयनका, गहरी सांसें लीजिए। मिसेस गोयनका, आप कहें तो आपके बेटे को बुला दूं, क्योंकि आप बेहोशी में बार बार उनका नाम ले रही थी। सिस्टर, इनके बेटे को बुलाइए। एक मिनट रुक जाइए। प्लीज किसी को मत बुलाइए, मुझे किसी से नहीं मिलना है, ना मनीष जी से, ना कार्तिक से।
डॉक्टर साहब हम अंदर जा सकते हैं अभी? देखिए मैं मिल सकता हूँ प्लीज। तबीयत कैसी है उनकी डॉक्टर? शी इज स्टेबल। कोई इंटरनल इंजरीज नहीं है, इनफैक्ट बाहरी चोट भी बहुत ज्यादा नहीं है, पर क्या डॉक्टर साहब? शी इज वेरी अपसेट, कोई बात उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, शी इज इन अ पैनिक स्टेट। हम उनसे मिल सकते हैं? पेशेंट अभी किसी से मिलना नहीं चाह रही हैं, और जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती और वो खुद से नहीं कहती कि किसी से मिलना चाह रही हैं, तब तक मैं उनसे किसी को मिलने की परमिशन नहीं दे सकता। पर मैं, मेरा नाम लिया उन्होंने, बुलाया मुझे सच। मैं कार्तिक हूँ डॉक्टर साहब। देखिए इन्हें जाने दीजिए, इनसे मिलकर तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे, हम प्रॉमिस करते हैं, हमें से और कोई नहीं जाएगा, बस इसे जाने दीजिए। सॉरी सर, उन्होंने इनके लिए भी मना किया है। इन 2 सालों में कार्तिक माँ के लिए और माँ कार्तिक के लिए सब कुछ रहे हैं, और आज माँ ने, ओ गॉड, कैसे बर्दाश्त करेगा कार्तिक? ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।